काका कुछ तो बोलो। जिंदगी भर डर डर के जिया हूं मैं, लेकिन आज मौत को इतना करीब से देखा तो सब डर निकल गया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूं। I'm rocking. You are not rocking. अगर पीसीओ में आपकी जगह ये होता तो जिंदा होता, डराने के लिए फोन किया होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन बॉम्ब लगाना बॉम्ब और कल आरडीएक्स लगाने की धमकी, तेरा दिमाग मिला तेरी हाइट की तरह ही है। ये क्या है, तेरवे का मेन्यू डिसाइड करो अभी, मुझे तो अखबार के दुखद निधन कॉलम में तीनों का फोटो नजर आ रहा है। अरे इधर वो डीवीडी का मैटर पब्लिक के माइंड से वाइप आउट हो ही रहा था कि तुम लोगों ने एक और आइटम पेश कर दिया। हम लोग फिर से ब्रेकिंग न्यूज में यार। अरे लेकिन हमें अक्की नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा हो जाएगा। हमें लगा कि अगर हमारे साथ किसी और का भी भला होता है तो उसमें बुरा क्या है यार? देख अक्की, एक बात याद रख, वो डीबीडी नेशनल न्यूज पर हमारी वजह से नहीं गई थी। लेकिन वो मेरे से मिस्टेक हो गया था ब्रदर, ये प्लान तुम लोगों ने सोच समझ कर बनाया था। इस बार पुलिस भी लाइटली नहीं लेगी और दत्तू भाई ने तो तुम्हें अब देख भी लिया। शिट यार, तू भी ना ब्रदर। मैं क्या ब्रदर, ये आइडिया तेरा ही होगा। अरे काका यार सुनो क्या कह रहा है। लेकिन इतना सब कुछ जिस दोस्त के लिए किया, पता नहीं उसका भी कोई फायदा हुआ या नहीं। राधाबाई चौल की ये सजावट को देखकर कोई शायद ये कहे कि आज का दिन दिवाली का त्योहार तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आज का ये दिन कोई त्योहार से कम नहीं। कई महीनों के बाद आज यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान दोबारा आई है और ये मुस्कान इन्हें मिली है एक अंडरवर्ल्ड गैंग सी कंपनी की मदद की वजह से। तो आइए हम बात करते हैं इस चौल के सेक्रेटरी मिस्टर सदाशिव प्रधान से। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। तो प्रधान जी, पटेल बिल्डर्स ने राधाबाई चौल पर किया हुआ दावा वापस ले लिया है, आपकी जगह आपको वापस मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो हमें अपनी जगह ही नहीं, हमारा आत्मसम्मान वापस मिल गया है। आज हम सभी इतने खुश है कि व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अगर सी कंपनी हमारी मदद नहीं करती तो हम कहीं के नहीं होते, रास्ते पे आ गए होते सब के सब। मैं तो इन लोगों को अंडरवर्ल्ड के रॉबिन हुड कहूंगा, गरीबों के मसीहा कहूंगा। वो जहाँ कहीं भी रहे, हम लोगों के आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और राधाबाई चाल के लोगों की यही दुआ रहेगी कि वो पुलिस के हाथ कभी ना आए। ये थे राधाबाई चौल के सेक्रेटरी प्रधान जी, जो कि एक अंडरवर्ल्ड गैंग को रॉबिन हुड का खिताब दे रहे हैं। मैं रितु शर्मा, कैमरामैन संजय जाधव के साथ जी न्यूज मुंबई। अरे जोचा, अरे जोचा, हमारी चाल फिर से हमारी हो गई। अच्छा। सच बताऊं, मैंने तो इस जगह की आशा ही छोड़ दी तेरे। अरे सब ठीक हो गया तो रो क्यों रहा है? आज यहाँ सब लोग रो रहे हैं मगर खुशी से। अरे भगवान सब देखता है, अंधा नहीं है वो। हाँ कुछ दिनों के लिए कैटरक जरूर हो गया होगा। भाई चाली की लाइटिंग पार्टी का खर्चा इसने उठाया था, इसने पटेल ने। और क्या करता भाई, अपनी मैयत पे खर्चा करने से अच्छा था कि चाली की पार्टी स्पॉन्सर कर देता। हमारी प्रॉब्लम समझिए तू भाई, ना आपको ना पुलिस को किसी को सी कंपनी की कोई खबर नहीं। अब आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में हम आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ए पटेल, अपन लोग कई सालों से मिलके धंधा कर रहे, मेरे हाथ के नीचे कितना मॉल्स बिल्डिंग बनाया, कभी किसी ने सामने आने की डेयरिंग तक नहीं की। हाँ आज साला एक छोटा सा लोचा क्या हुआ तुम लोग? बात बराबर है दत्तू भाई, लेकिन आपकी बाकी प्रॉपर्टीज भी तो इलीगल तरीके से ली गई है ना। जरा सोचिए भाई, अगर कल ये सी कंपनी वहां पहुंच गई तो, और पता नहीं अगली बार कहीं बॉम्बी सुतली ना हो। इसलिए दत्तू भाई, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आगे से हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। कुछ गलत बोला हो भाई तो आप ही मार दीजिए, वैसे भी सी कंपनी तो छोड़ेगी नहीं। माफ करना दत्तू भाई, लेकिन इस शहर में आपकी पहले जैसी दहशत नहीं रही। अबे नशा खोर, भाई की दहशत कम हो गई? यादव घोड़े को लगाम दे, ये लोग सही कह रहे हैं। कमाल है, एक सी कंपनी ने 10 सालों के रिश्ते की मां बहन कर दी।
भाई बालाजी। इसको भी वही आ रहा था। हेलो, एक मिनट। हेलो, ए मोटू। हाँ भाई। जब आया है तो नाश्ता पानी करा के छोड़ना। ठीक है भाई। जल्दी मिले। हाँ शक्ति जी बोलिए। क्या बोलू दत्तू भाई, आपने तो मुझे जबान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। हाँ हाँ, आप रो रहे ली क्यों? क्या करूँ, आज के एपिसोड में मेरे चेहरे से बैंडेज उतरने वाला है और बैंडेज में मेरी जगह किसी और एक्ट्रेस का चेहरा होगा। साक्षी जी, सिंघानिया साहब, ये है आपके घर की कुल वधू। इन बालाजी वालों ने मुझे रिप्लेस कर दिया। साक्षी जी, आप रोइए मत साक्षी जी। रहने दीजिए दत्तू भाई, अब आपकी जबान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। वाह भाई, इसी कंपनी तो छोड़ी, अब तो सीरियल वाली कंपनी भी अपने से डरना बंद कर चुकी। मतलब यादव, तू अब बिच खड़े निकल, अब बिच। अभी हम उनको बताता है कि दत्तू सैटेलाइट क्या चीज है। हाँ, निकाल। दत्तू भाई, आपकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला। समझ नहीं आता आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। The one and only Ekta Kapoor's, जिसके सीरियल ने दत्तू सैटेलाइट का ही नहीं पूरे देश का दिमाग घुमा दिए लाए क्या? लेकिन कुछ भी बोल, अपन तेरे सीरियल का नंबर वन फैंस है क्या? नहीं तो तेरा 1000 कंप्लेन लाएगा मेरे पास। तेरे सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तेरे सीरियल में औरत लोग कंजीवरम साड़ी पहन के फुल मेकअप करके सोती है। साला माँ कौन, बहन कौन, सास कौन, बहू कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। सब एक ही उम्र के दिखते हैं। हाँ, तेरे सीरियल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, लगता है बम फूट रहा है, करगिल का लफड़ा चालू है। ये ध्यान। अच्छा एक बात बता, तेरे सीरियल में कैरेक्टर लोग का नाम ये आर्यमान आर्यवीर क्यों है? क्या साला सुरेश, प्रवीण, कार्तिक मर गए ले क्या? अरे आखी दुनिया में इतना प्लास्टिक सर्जरी कहीं नहीं हुआ जितना तेरे सीरियल्स में हुआ है ना? फिर भी अपन तेरे को कुछ बोला नहीं ना? कुछ बोला? सॉरी दत्तू भाई, उस सीरियल की पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है ना। अरे करना जो तेरे को मंगता है कर, लेकिन अपन जो भी तेरे को बोला ना वो भी तेरे को करना पड़ेगा। ये बैंडेज के पीछे मुझे साक्षी जी का ही चेहरा मांगता है। पर उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई है ना? वो आप उनको कुछ नहीं मालूम। उस रोल में मुझे साक्षी जी चाहिए क्या? अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ ना सीधा ठोकना क्या? क्योंकि ये मेरी जवान का सवाल है। समझ गया ना? चलता है। Oh my God! Wait a minute. क्योंकि मेरी ज़बान का सवाल है। ये नई सीरियल के लिए अच्छा टाइटल। जैसा कि आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर शुरू होने वाले इस शो की पब्लिसिटी जोरों शोरों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला ये शो अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना सही है इस तरह अंडरवर्ल्ड गैंग को आम लोगों की तकलीफें दूर करने में शामिल करना, खासकर जब सरकार को भी चुनौती दी जा रही हो। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आम लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अंडरवर्ल्ड लोगों की मदद करेगा? अरे आम लोगों का प्रॉब्लम भाई लोग सॉल्व करेंगे? इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सरकार, एक तरफ सी कंपनी, कमाल का आइडिया है। सास बहू के सीरियल से तो अच्छा है। देखेंगे भाई देखेंगे, ये प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे। हाँ, देखेंगे। हाँ, जरूर देखेंगे।
तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ब्रदर। ये तेरे चैनल वाले अपने भरोसे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं यार। कि सब फुकट जाने वाला है डूड। अरे बाप रे, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना है सरकार करेगी। पुरुषोत्तम अपने को पैसे दे रहा है ना, बस अपन सरस है। सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है सरकार ऐसी कंपनी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सरकार या सी कंपनी। मैं अक्षय कुमार आप सबका इस सबसे बड़े रियलिटी शो में स्वागत करता हूं। हर कोई चाहता है इंसाफ, मगर आम आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है कि उसका इंसाफ पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका एक कॉल और हम सवाल करेंगे सरकार या सी कंपनी से। आपकी चुनी हुई सरकार या फिर जिन्हें आपने रॉबिन हुड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का खिताब दिया है वो। अब देखना यह है कि कौन सही उतरता है इंसाफ की इस कसौटी पर। हमारे इस शो पर आज की पहली शिकायत लेकर आई है श्रीमती आशा त्रिवेदी मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। सरकार या सी कंपनी शो में आपका स्वागत है। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मेरे पति सुशील त्रिवेदी रेलवे हेड ऑफिस क्लर्क थे। ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो हमें छोड़कर चले गए, तो सरकार ने जो मुआवजा मंजूर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या वजह बताई गई थी आपको? वह जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये बम ब्लास्ट 5:45 पर हुआ था और मेरे पति की ड्यूटी 6 तक की होती है, तो कोई सरकारी कर्मचारी टाइम से पहले कैसे निकल सकता है, ऐसा बताकर उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। प्रोविडेंट फंड मिलने वाला था वो भी रोक कर रखा है। अब उनके जाने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर भी खाली कर देना पड़ेगा। आप ही बताइए, 15 जल्दी निकलने की इतनी बड़ी सजा, मेरा एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ? कोई कमाई भी नहीं और मदद भी नहीं है। 2 से सरकारी ऑफिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया, उम्मीद है सी कंपनी कुछ कर दे। लगा था अपनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं डूड। अब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन एक फोन करके ट्राई मारे क्या? हाँ, हमारे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए। You're right, dude. और कौन सा गन रख के रोबरी करनी है, एक फोन ही तो करना है। लेकिन डूड, इस बार फोन पीसीओ से नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं, पीसीओ से फोन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खांचा कार्ड। हाँ खांचा कार्ड। इसे फोन करेंगे ना तो कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि क्या नंबर है और किधर से फोन किया। इधर देख, सारे रियल भाई लोग यही खांचा कार्ड यूज करते हैं। तो हम भी भाई लोगों की तरह फोन करेंगे इससे। हेलो ब्रदर, एक बात दिमाग में डाल ले, अगर फोन पर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कंपनी बंद है, पहले से बोल रहा हूँ। अरे चल चल, तू खांचा लोड कर, खांचा लोड कर। डूड खांचा कार्ड दो ना।